होपफुल के इंतजामात जो है वो हो सकेंगे, सप्लाई जो है वो आ चुकी होंगी। मतलब अब हालत खराब नहीं हो सकती, अगर होगी तो अच्छी होगी, मतलब इट कैन नॉट बी वर्स देन दिस व्हाट इज हैपनिंग नाउ इंशाल्लाह, होपिंग फॉर द बेस्ट। अच्छा नौरी जी, जो जैसे आमदो रफ्त का भी सिलसिला इंडिया में, जाहिर है लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया, वहां पर इस वक्त फ्लाइट्स की क्या सिचुएशन है, और डोमेस्टिक फ्लाइट्स क्या इस वक्त देयर एट अ होल्ड, बंद की हुई है, और इवन बाहर इंडिया से बाहर जाने के हवाले से क्या है उस वक्त फ्लाइट्स की सूरत हाल? नहीं है, कुछ कुछ फ्लाइट्स हैं लेकिन बहुत कम है, और उनका किराया जो है वो कंपनीज ने इतना कर दिया कि वैसे ही नहीं जाएंगे। मैं आज ही कल ही मैंने देखा था कि एक दिल्ली से न्यूयॉर्क का वन वे टिकट 8 लाख रुपए का है, तो कौन जाएगा? 8 लाख वन वे टिकट, तो कौन? और इस वक्त दहशत का माहौल है, डरे हुए हैं लोग, इस वक्त कहने की भी जरूरत नहीं। लॉकडाउन, लोग सड़क, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ करीब 200-250 फ्लैट हैं और बिल्कुल सन्नाटा है जैसे कब्रिस्तान हो, एक आवाज नहीं, एक बच्चा खेलता हुआ नहीं दिख रहा, लोग इतने डरे हुए हैं कि सड़क पे कोई दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, बहुत ही जिसको खाली हॉस्पिटल जाना है या कुछ है वो जा रहा है, अदरवाइज कोई नहीं निकल रहा है। अच्छा अच्छा नौरी जी, और जो SOPs की इन्फोर्समेंट है उस हवाले से भी जरा मैं बात करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में भी मास्क के बगैर जो है वो हमें नजर आ रहे होते हैं लोग बाहर सड़कों पे, सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल, हमारे यहाँ पे भी केसेस जो है वो एकदम से स्पाइक उनमें देखा गया, यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट जो है वो एकदम से सर्च कर गया, लेकिन येट उसके बावजूद भी लोग जो है गैदरिंग्स वो उसको खत्म करते हुए नहीं नजर आए, यहाँ पे लोग बगैर मास्क के। अब SOPs पर अमल दरामद कराना, जहां पर अभी हमारे वजीर आजम ने भी फौज जो है वो तलब की कि भाई आके एटलीस्ट सपोर्ट, इंतजामिया को जो है वो सपोर्ट कर सकेगी पुलिस को यहाँ पर, इन ऑर्डर टू गेट द SOPs इम्प्लीमेंटेड, वहां पर क्या रुझान है, लोग SOPs को फॉलो ही नहीं करना, पर या फिर पेनल्टी के साथ, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जी अगर आपने किसी फाइन के साथ मशरूत कर दिया तो शायद लोग उस डर से कि भाई मेरे जेब से 2,000 या 5,000 रुपए चले जाएंगे अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा, तो इस डर और खौफ से भी शायद अमल दरामद करने लगे, वहां पर क्या सूरत है? नहीं यहाँ है, ये जरूर है, लोगों को फाइन लगाया है, 500-500 रुपए, 2,000-2,000 भी लगाया है, और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने बोला है कि जो कार है आपकी, अगर आप कार में अकेले बैठे हैं तो कार को भी एक पब्लिक प्लेस माना गया है कि आप कार में भी बैठे हैं तो आपको मास्क लगाना है, और सड़कों पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो चालान कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कुछ लोग तो होते हैं जिनको शौक होता है कानून को ना मानने का, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। और दूसरा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर वजीर आजम खुद बिना मास्क के जाके रैली अटेंड करें और बोले कि बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, लोग आएंगे, तो क्या आम अनपढ़ जो आवाम है उस पर क्या मैसेज जाता है कि सब ठीक ही होगा? बिल्कुल, और प्लस उस तबके को जहां पर आपने उसमें ये भी रुझान पैदा करना है कि वैक्सीन करवाना कितना जरूरी है, वैक्सीनेशन का अमल जो है वो कितना जरूरी है, अपने आप का तहफ़ करना और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, मतलब अगर हम नौरजी एक मास्क लगाए होते हैं तो यू नो आई एम एक्चुअली शोइंग दैट आई एम नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग माय सेल्फ बट आई एम प्रोटेक्टिंग अदर्स एज वेल। तो वैक्सीनेट करने के लिए देही इलाकों में तो बिलखसूस उस तबके को कन्विंस करना, वो आपको लगता है वहां पे भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे भी रुझान ऐसा है कि नहीं जी वैक्सीन करवाना नहीं है? नहीं बिल्कुल, आपने सही बोला, यहाँ भी वही रुझान है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों ने भी शुरू में बहुत आनाकानी करी थी, और उसका एक रीज़न ये भी कि कुछ जगहों में बाहर के मुल्कों में जैसे कहीं रिएक्शन हो गया और खबर आई कि जो उससे ये हो रहा है, पेट में लोगों को दर्द, क्लॉट हो रहा है, वो कोवैक्सीन से ये हो रहा है, कोविशील्ड से वो हो रहा है, तो उसका जाहिर है कि लोग पढ़ते हैं और थोड़े से उससे अफेक्ट हो जाते हैं, तो लोगों ने नहीं लगाया था, लेकिन इस वक्त लगाना मांग रहे हैं। लेकिन अब आपने अनाउंस तो कर दिया हुकूमत ने कि सबको लगाएंगे, 18 साल से ऊपर लगाएंगे, 18 साल से नीचे भी लगाएंगे, लेकिन क्या इतनी हमारी प्रोडक्शन है? वो तो है नहीं ना, अब 5 दिन में तो नहीं आप बना सकते और भेज सकते, अब लोग लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब वैक्सीन नहीं है, अब वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कम है ना, इंडिया फोकसिंग ऑन एक्सपोर्टिंग वैक्सीन रादर देन यूटिलाइजिंग इट। जब हमने पहले बनाई थी तो जो इंटरनेशनल जो वो होती है फोरम पे, वहाँ बताने के लिए साहब बहुत बड़ा हमारा वजीर आजम बहुत कमाल कर रहा है, हमने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी इधर उधर बांग्लादेश, या वहाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, ये ऐसा एक इंसानियत का ये वो है पहलू जिसपे की देनी चाहिए, लेकिन अगर आपके अपने आदमी मर रहे हैं लोग तो कैसे आप देंगे?
तो नौरेश जी आपका क्या मकसद है कि अपने पास यूटिलाइज नहीं हो रही थी और एक्सपोर्ट पे ज्यादा तरजीह दी जा रही थी, एक्सपोर्ट पर तरजीह दी जा रही थी, तो अब ना वहां पे हम दे सके पूरी तरह से, ना यहाँ दे सके, ना यहाँ पर कर सके, ना दे सके। अब कई लोगों ने पहला शॉट लगवाया हुआ, उनमें शायद मैं भी शामिल हूँ, और अब फिक्र ये हो रही है कि पता नहीं दूसरे शॉट पे एक महीने के बाद मिलेगी भी कि नहीं। जो डोज अगर वैक्सीन में, ये भी आप जरूर आगाही के लिए बताइए कि वहाँ पे वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल है। चाइनीज वैक्सीन जो पाकिस्तान में जिस तरह से अभी हमें मिली है, हमारे पास 0.5 मिलियन तक के मजीद भी स्टॉक जो है वो रिसीव कहा जा रहा है कि जी वो हो चुका है डोजेस हमें चाइनीज की, जो साइनोवैक है वहां पर कौन सी है, और जो जैसे आप कह रहे हैं कि आपने एक डोज लगाया और अगले डोज का खदशा है, तो वो एक ही डोज है जो कि दो दफा लगाया जाएगा या एक सेकेंड डोज डिफरेंट होगा, सो दैट कि वो इंश्योर भी कर देता है कि जिसको पहली डोज लगे नेचुरली उसको सेकेंड डोज एक्सेप्ट। देखिए अकलमंदी तो यह कहती है जो पहला लगा वही दूसरा लगना चाहिए, लेकिन मुझे जाती तौर पर लग रहा है कि एक स्टेज आएगी कि शायद लोग सोचेंगे यार कुछ नहीं तो दूसरा कोई भी लगवा लो, लेकिन यहाँ पे आम तो उस पर देखा जाए तो एक है कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड और उनकी है, एस्ट्राजेनिक की है, और दूसरी है कोवैक्सीन जो हमारी अपनी भारत लैब में बनी हुई है, वो हमारी अपनी है, और वो दोनों लोग लगवा रहे हैं वो, और तीसरी अभी कोई नहीं है, परमिशन मिली है, लेकिन वही है कि प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, जब तक आएगी कब तक आएगी और कैसे डिस्ट्रीब्यूट। अब आज ही मन की बात एक रेडियो का प्रोग्राम आता है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुखातिब होते हैं आवाम से, उन्होंने आज बोला सबको फ्री दी जाएगी, फ्री दी जाएगी तब जब फ्री आपके पास होगी। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक अलग चीज होती है और उसको अमली जामा पहनाना दूसरी चीज होती है। दोनों है, जो सरकारी अस्पताल है वहां फ्री है, और जैसे मैं जो गया था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था जहाँ उस वक्त पहला शॉट 250 रुपए का था, लेकिन अब वो शायद 600 रुपए हो जाएगा, बढ़ जाएगी उसकी कीमत, है ना। सरकारी अस्पतालों में वो फ्री होगी, लेकिन वही बात वो आती है कि आबादी इतना आवाम है, किस किस को आप लगा पाएंगे और कहाँ कहाँ लगा पाएंगे।